समय देश में मुद्दों की कमी नहीं है। एक मुद्दा शांत होता है तो दूसरा आरंभ हो जाता है। जहां एक ओर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर गहमा गहमी खत्म हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को निशाने पर ले लिया है। हम आपको बता दें कि बीते दिनों सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी एवं राम जन्मभूमि के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल करने का मन बना लिया था। वहीं बोर्ड के सभी सदस्य भी इस बात को लेकर समर्थन में थे, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस फैसले का विरोध करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का यह फैसला हो सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड याचिका दायर करेगा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा है कि 8 दिसंबर से पहले ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कोई पुख्ता तारीख नहीं बताई है। SPN9 के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट।